सामान्य ज्ञान का प्रश्न हम चुके 2 तारीख को 2 अक्टूबर को क्या था बोलिए तो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती लाल बहादुर शास्त्री यानी कि दो दो महापुरुषों की जयंती थी ना yes, 2 अक्टूबर को yes, थी ना लाल बहादुर शास्त्री जयंती और गांधी जयंती थी चुके विद्यालय उसमें बंद था इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं मना पाए ठीक ना लेकिन बच्चों को जानकारी रखनी चाहिए इसके बारे में तो इसमें से जितने बच्चे खड़े हैं वो बतलाइए तो पूज्य बापू महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था जगह का नाम बोलना है कहाँ हुआ था कहाँ हुआ था हाँ राजकोट में किस राज्य में हुआ था जोर से बोलिए पोरबंदर गुजरात में गुड बहुत अच्छा एक तुम लोग गाती हो ना पोरबंदर गुजरात प्रांत में एक बालक ने जन्म लिया माता पुतली बाई पिता करमचंद गांधी नाम हुआ सुनो सुनो ओ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी बस इसी पंक्ति में उनका जो है कहाँ जन्म हुआ था उनका पिता का क्या नाम था अगर इस तरह से याद रखेगी तो सदा के लिए याद रह जाएगा क्योंकि बचपन में हम लोग इसी तरह से गा करके ही याद रखे थे जो अभी तक याद है मालूम है ना तो इस तरह से याद रखना है पोरबंदर कहाँ है गुजरात राज्य में कहाँ है गुजरात राज्य में उनकी महात्मा गांधी की जो माँ थी इधर आइए ये बच्चे इधर आइए तो माँ का जो नाम था पुतली बाई क्या नाम था पुतली बाई और पिता का नाम करमचंद गांधी पिता का नाम करमचंद गांधी अच्छा कोई बता सकते हैं उनकी पत्नी का क्या नाम था बोलिए कस्तूरबा गांधी ऐसे आप लोग अभी सुनते होंगे कैसे याद रखिएगा उनको प्यार से बा बोला जाता था क्या बोला जाता था बा और आप लोग सुनते होंगे कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय है सुनते हैं और इस तरह से आप लोग उसको याद रखिएगा महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो थे गुजराती भाषा में थे एक रघुपति राघव दूसरा जो था गुजराती में था तुम लोगों को बहुत बार बताए हैं गवाए भी है वैष्णव जानी तो तेने कही है जे पीर पराई जाने रे बुराइए वैष्णव जानी तो तेने कही है जे वैष्णव जानी कितना सुंदर है पर दुखे उपकार करे ते मन अभिमान न आने रे वही वैष्णव जन है वही वैष्णव जन है जो कि दूसरों को उपकार करने पर मन में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं रखते हैं उनका ये प्रिय भजन था वो शाम सवेरे सुनते थे जब वो बिरला भवन जाते थे नई दिल्ली में बिरला भवन कहाँ है नई दिल्ली में तो जब जाती थी प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए तो ये भजन वो जरूर सुनते थे वही प्रार्थना सभा में जब 30 जनवरी 1948 को शुक्रवार दिन था बसंत पंचमी का दिन शाम की सभा में जब वो जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या की गई थी बापू की हत्या किनके द्वारा की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को वो प्रार्थना सभा में जा रहे थे बिरला भवन में पहुंच गए थे अब करते ही तो उनकी हत्या हुई याद रखिएगा जो बच्चे आज आए हैं इस चेतना सत्र में कितना ज्ञानवर्धक बात हो रही है ना और
इस तरह से आप लोग याद भी रखिएगा। शुक्रवार दिन था 30 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन, और उन्होंने हे राम करके अपने प्राण को त्याग दिए उसी समय। क्या कह के? हे राम, समझ रहे हैं ना, भगवान का नाम लिए थे उस समय। तो इस तरह से उनकी हत्या हुई थी, तो ये जानना जरूरी है। तो चलिए, पूज्य बापू अमर रहे, पूज्य बापू अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। और इस तरह से प्रत्येक दिन आप लोगों को बापू की पाती, जो यहाँ पर रखी हुई है पुस्तक, उसका चेतना सत्र में जो है बापू की पाती प्रत्येक दिन जो है उसका पठन पाठन करना है और बच्चों को सुनाना है। वहाँ पर मैम देगी, ठीक ना। तो कल के लिए क्वेश्चन दीजिए, दो को क्वेश्चन दे दीजिए। एकदम हल्का देना, बच्चे छोटे हैं, एकदम हल्का। बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? कल के लिए। गुड, बहुत अच्छा। के लिए और छोटों के लिए? भारत की सबसे लंबी नदी और बिहार की शोक नदी, बिहार की शोक नदी। तो ये कल के लिए है। अब तमाशा, अब प्रार्थना कालीन सभा समाप्त होती है। धन्यवाद, पंडित से जाए। लेकिन बच्चे बोल देंगे कि विद्यालय खुल गई है, सबको आने का पकड़ बोल दूंगी, ठीक ना। और 12 तारीख से परीक्षा भी है कि नहीं, ठीक है। 35 क्लास रुक गई है, ठीक।